ज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कोशिका संरचना एवं प्रकार है, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग बात कर रहे हैं कोशिका में भिन्नता के बारे में। और इसमें हम देखते हैं कि भिन्नता हमने देखी संख्या, आकृति और साइज, इसके आधार पर कोशिका में भिन्नता होती है। और इससे पहले वाले सेशन में हमने कोशिका की संख्या के बारे में देखा कि कैसे हमारे एक कोशिक और बहुकोशिक जीव मिलते हैं। आज जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे आकृति और साइज के आधार पर। तो कोशिका की आकृति के आधार पर कैसे हम एक भिन्नता करते हैं इसके बारे में समझते हैं। बुक खोलते हैं अपनी। तो आकृति के आधार पर देखिए, पहले हम ये चीज समझ ले, देखें हम ये जानते हैं हमारे बॉडी, अगर हम अपने को पहले हम अपने को देखें तो अगर हम अपने को देखें हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स है। और हमने अभी अपने जब हमने इससे पहले से वाले सेशन सुने हैं उसमें हमने ये भी समझ लिया, हर ऑर्गन मीन्स जो हमारा अंदर का जो अंग है वो एक पर्टिकुलर कार्य करता है ना, डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का, है ना, सर्कुलेशन का, हर एक कार्य करता है। तो अब एक हमें खुद ही एक चीज समझ में आती है कि अगर हमारे वो विभिन्न अंग विभिन्न कार्य कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि जो कोशिका है उनमें की संरचना में भी उनकी आकृति में भी कुछ डिफरेंस होगा। कि हमारा जो एक कुछ कोशिकाओं ने मिलकर हार्ट बनाया है और कुछ कोशिकाओं ने मिलकर एक हमारी किडनी बनाई, तो हार्ट का काम है कि वो ब्लड को सर्कुलेट करे, प्योरीफाई करे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रोटेट करे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से वो पूरा एक प्रोसेस होता है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो एक पूरा एक कार्य होता है। लेकिन अगर हम किडनी की बात करें, चलिए लंग्स की बात करें, तो लंग्स का कार्य है कि कैसे वो जो हम सांस ले रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं, उसमें से वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ले। तो कुछ ना कुछ तो उनकी कोशिका के स्ट्रक्चर में होगा ना डिफरेंस, तभी तो वो अलग एक अंग बनाया है। तो उनकी आकृति में कैसे डिफरेंस है इसको और हम समझते हैं। कि देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका, ये देखिए पहले ये जो हमने ऊपर चित्र देखे थे इसमें हमने अमीबा की आकृति को हमने देखा था। ये पहले आप देख लीजिए, आपके जैसे बुक में जो का है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए अमीबा की ऐसी आकृति है, क्लियर, ये हमने पहले देखा था ना। चलिए तो ये जो हमने चित्र में देखा इसमें दर्शाए गए अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे। तो हम जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी कोई एक हम पर्टिकुलर आकृति नहीं कह सकते, जैसे पैरामीशम की कही वो स्लिपर शेप है, लेकिन अमीबा की आकृति को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और अगर हम उसकी कोई पर्टिकुलर कहें कि वो सर्कुलर है, ओवल है, इधर से घूमा हुआ है, ये हम नहीं, उसको एक हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये क्योंकि इसकी आकृति लगातार चेंज होती रहती है, इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रबर्द उभरते हुए दिखाई देते हैं, इन्हें पादाप कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम क्यों हम इसकी आकृति एक पूरे डिफाइन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी एक ही कोशिका है। तो यहाँ देखिए कभी हमें ये पार्ट यहाँ पे बाहर निकला मिलेगा और थोड़ी देर बाद ये पार्ट हमें अंदर मिलेगा और जो अंदर वाला पार्ट है वो हमें बाहर मिलेगा। तो ये एक उसमें लगातार एक, क्योंकि ये जो है इसके ये जो पार्ट निकले हुए इन्हें पादाप मीन्स सीडोपोडिया कहते हैं। सीडोपोडिया मीन्स इसके पैर है, लेकिन इसको फॉल्स फीट भी कहते हैं कि ये जिस अपने पार्ट को आगे करके एक आगे चल जाता है तो वो पार्ट उसका पैर बन जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है इसका कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड ऐसे ऑर्गन्स नहीं है जो एक पूरे पैर बनाए या उसको किसी और उसके फंक्शन में के लिए वो स्पेशल उस टाइप से उनका स्ट्रक्चर बने। वो सारे अपना वो पादाप भी बन जाता है, वो मुंह भी बन जाता है, वो सारी एक सारी क्रियाएं कर लेता है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि ये प्रवत अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था वो आगे चले, वो घूमे,
उससे अमीबा आगे चला गया, फिर वही पादाभ ने क्या करा, जब उनका फूड पार्टिकल उनके पास आया तो उन्होंने गैप क्रिएट करा और फूड को अपने अंदर ले लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं लगातार उनकी आकृति में चेंज होता रहता है। मनुष्य में रक्त में पाई जाने वाली श्वेत कोशिकाएं WBC भी एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण, वो भी अपनी आकृति बदलती है। और WBC जो है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व। अब यहाँ पे ये बात हम एक डिटेल में इसको समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो ब्लड है ये भी क्या है, ये भी एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। और हमें यह कहते हैं कि इसमें जो होते हैं वो WBCs होते हैं, RBCs होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। सो जो WBC है, तो जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, तो वो भी एक कोशिका होते हैं। और क्योंकि जब एक कोशिका होता है तो उसको फंक्शन करने के लिए उसको कहीं कहीं अपनी आकृति में चेंज करना होता है, जैसे वो फंक्शन कर पाए। तो जैसा हमने इसलिए पहले अमीबा के बारे में समझा कि जैसे अमीबा को जब आगे चलना है उसने अपने बॉडी को आगे एक पार्ट को करा और वो आगे मूव हो गया, इसी प्रकार WBC भी जब हमारे बॉडी में फंक्शन करता है तो उसको जब एक मूवमेंट करना होता है तो वो अपने स्ट्रक्चर में एक चेंज ले आता है। तो ये इसलिए जो WBC है, याद रखिएगा ये भी एक कोशिका है। और अमीबा की तरह वो क्या है, वो एक कार्य करता है, लेकिन वो जो एक अमीबा का जो एक सेल है वो पूरा एक कहें एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, लेकिन WBC हम पूरे बड़े जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सेल, क्लियर हुआ, वो एक सेल है। और इस प्रकार अलग अलग सेल्स अलग अलग कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे अलग अलग अंग बन रहे हैं। तो आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं हो? तो यहाँ अब ये देखते हैं कि देख रहे हैं कि उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। तो जब हमारी लाखों कोशिकाएं हैं तो नेचुरल है उनकी आकृति में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। तो यहाँ देखिए, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये हमारी जो ए है ये है गोलाकार रक्त कोशिकाएं, दूसरी जो हमारे ये जो बी मिल रही है ये हमारी पेशी कोशिकाएं हैं। तो ये रक्त कोशिकाएं हैं, ये पेशी कोशिकाएं हैं, और ये जो सी आपको दिखाई दे रही है ये तंत्रिका कोशिका जो नर्वस सिस्टम बना रही है, ठीक है। सो देख रहे हैं हमारा एक सिस्टम नर्वस सिस्टम हो गया, पेशी कोशिकाएं जो हमारा पूरा मस्कुलर बॉडी बना है तो वो एक पूरा ग्रुप हो गया, आपके जो रक्त कोशिकाएं हैं तो उसमें हमने आपको बताया WBC होते हैं, RBCs होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, तो और प्लाज्मा होता है, बहुत और चीजें होती हैं, सब अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। तो जब सब अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं तो उनकी आकृति में भी डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, ये चीज आपको क्लियर हुई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी जो कोशिकाएं वो गोलीय भी हो सकती हैं, चपटी गोल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके दोनों सिरे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, और इनका आकार तर्क रूप होता है जैसा अभी हमने देखा था। ये देखिए, ये जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं ये हम देख रहे हैं ये दोनों एंड से नुकीली हैं, क्लियर हुआ। और यहाँ पे और कुछ कोशिकाएं जो हम देखते हैं वो देखिए लंबी होती है जो, और ये तंत्रिका होती है, क्योंकि इनका क्या कार्य है, इनका कार्य है तंत्रिका कोशिका के जहां जहां सेंसेस डेवलप हो रहे हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाना। तो इसलिए वो सेंसेस हम कहीं पैर टच करते हैं तब हमें पता चल जाता है किसी ने टच करा, हाथ करा, पीठ करा, तो हर जगह से वो कनेक्ट होके हमारे ब्रेन तक जा रही हैं। तो वो हम देख रहे हैं कि ये जो कोशिका होती है क्योंकि इनको संदेश लेना है
और उससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्स देना है, वो संदेश हमें उस ऑर्गन तक लेकर जाना है, ये एक संदेश वाहक का जैसे कार्य करती है, तो इसलिए ये लंबी होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कोशिकाओं की संरचना में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप अनुमान लगाएं कि कोशिका कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है, तो इसकी अगर हम देखें कोशिका की जो आकृति की अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन इनको वो आकार देता है कि गोल आकार, लंबा आकार, नुकीला आकार, ये कौन देता है, तो कोशिका के विभिन्न संघटक एवं झिल्ली द्वारा वो परिपथ होते हैं। तो जैसे जैसे वो झिल्ली जो होती है वो उनको एक आकार देती है। देखिए अगर हमें कहीं कुछ बनाना होता है तो हम पहले उसकी बाउंड्री बनाते हैं तब कुछ कार्य करते हैं, तो वो जो बाउंड्री बनती है वो कोशिका झिल्ली द्वारा बनती है। और ये जो झिल्ली होती है वो पौधों एवं जंतु की कोशिका को वो आकार प्रदान करती है। तो जो आकार जो हमें मिल रहा है वो कोशिका झिल्ली द्वारा मिल रहा है, मीन्स वो एक बाउंड्री बना रही है जिसके अंदर कोशिका का और जो उसके कोशिका अंग है वो उसके अंदर उपस्थित होते हैं, वो कोशिका झिल्ली वो उनको प्रोटेक्ट करती है और आकार देती है। पादप कोशिका का अगर हम प्लांट टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं या प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें एक और हमें लेयर देखने को मिलती है, वो होती है कोशिका भित्ति। तो एनिमल और प्लांट सेल में आपको दोनों में कोशिका झिल्ली देखने को मिलेगी, लेकिन कोशिका भित्ति जो है वो आपको सिर्फ पादप कोशिकाओं में देखने को मिलती है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है इसका जो एक आकार, ये कोशिकाओं को आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। क्योंकि प्लांट सेल है तो इनको क्या है, ये खुले में है, इनके ऊपर पूरा बारिश का पानी, हाई टेम्परेचर सब ये झेल रहे हैं, तो वो डैमेज नहीं हो अंदर, तेज हवा है उसको झेल रहे हैं, तो इसलिए बाय नेचर उनको एक और प्रोटेक्टिव लेयर दे गई है जिससे अंदर उनको कोई एक नुकसान नहीं पहुंचे। हम लोग अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग कपड़े पहनते हैं, मौसम बिगड़ा होता है तो अपने कपड़े उस टाइप से और एक मोटे पहन लेते हैं, जैसे सर्दियों में हमने मोटी जैकेट पहन ली, और हम जनरल घर में रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, ढके रहते हैं अपने को, तो हमारा जो है इतना सेल का डैमेज नहीं होता। लेकिन पेड़ क्योंकि वो एक सारे हवा पानी को एक झेल रहे हैं, तो इनकी जो कोशिका में हमें एक भित्ति पाई जाती है जो इनको आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। जो जीवाणु होते हैं इनमें भी जो इनकी जो कोशिका होती है इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि ये जो वायरस है ये भी क्या एयर में बिल्कुल ऐसी फेयर घूम रहे हैं, तो इनको भी एक ये प्रोटेक्टिव लेयर एक पहुंची हुई होती है। कोशिका की साइज की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका का साइज 1 मीटर का 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। अब आप सोचिए कितना छोटा होता है, जिसको हम माइक्रोमीटर या माइक्रोन में मेजर करते हैं। और उसके साथ साथ ये वो थोड़ा कुछ सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम केसेस में हमें देखने को मिलता है। जो अधिकतर कोशिकाएं होती हैं वो अति सूक्ष्मदर्शी होती हैं, मीन्स क्योंकि वो इतनी छोटी होती हैं। देखिए 1 मीटर का 10 लाखवां भाग तो कितना छोटा होता है, तो इतना छोटा होता है कि हम अगर उसको नेकेड आई, जो नग्न आंखें जैसे कहते हैं, या ऐसे अगर हम सामने देखना चाहें नहीं देख सकते, हमें सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से ही देखने को मिलता है। सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो ये एक जीवाणु कोशिका का साइज है। और जो सबसे बड़ा कोशिका, जो मैंने कहा था शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, उसका साइज होता है 170 mm to 130 mm। तो इतना 170 mm तो हम थोड़ा आंखों से देख सकते हैं, है या नहीं है। तो यहाँ के हम, अब जैसे आपको यहाँ पूछा गया है कि क्या हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, कोशिका ऐसे बड़ी नहीं होती है, साइज बड़ा हो गया है तो नंबर ऑफ कोशिकाओं का जो होगा
वो चेंज होगा, नंबर ऑफ कोशिकाएं चेंज होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कि वो बड़ा एनिमल है तो उसकी कोशिका बड़ी होगी, ऐसा नहीं है। तो किसी कोशिका के साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है, और ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत बड़ी हो। क्लियर? कोशिका के साइज का संबंध उनके क्या है, प्रकार से होता है, कि वो क्या फंक्शन कर रही है उससे संबंध होता है। जैसे जो तंत्रिका कोशिका हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं शाखांतित होंगी, क्योंकि इनका कार्य है संदेश का इधर से उधर लेकर जाना, एक ब्रेन तक लेकर जाना और रिस्पॉन्सेस उस पार्ट तक लेकर आना। तो जो अगर हम उनकी सेंस वो सेंसरी अगर हम सेल्स को देखें तो सब उन सब में हमें लंबी ही मिलेंगी, लेकिन हाँ हाथी में हमें ज्यादा लंबी मिलेंगी क्योंकि उनका बॉडी लंबा है, चूहे में थोड़ी छोटी मिलेगी। तो बच्चों आज अब आपका नोट्स देखते हैं। सो कोशिका की आकृति की बात करें, कोशिका झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करती है। पादप में एक और आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ये कोशिकाओं का आकार एवं दृढ़ता प्रदान करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है, तो आप पादप कोशिका बोले, इनका क्या एक हेल्प होती है, तो इनका होता है कि वो आकार भी देती है और दृढ़ता भी प्रदान करती है। कोशिकाओं की विभिन्न आकृतियां की बात करें तो कोशिकाएं सामान्यतः गोली या चपटी या गोल चपटी गोल अथवा लंबी होती है। कुछ लंबी कोशिकाओं के दोनों सिरे नुकीले होते हैं, कुछ लंबी कोशिकाएं शाखांतित होती हैं। तो आपसे एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछे कि शाखांतित कोशिकाओं का नाम बताएं तो आप बोलेंगे तंत्रिका कोशिका, और नुकीले तो वो मस्कुलर हो जाती है। और साइज की बात करें तो ये हमने बुक में भी देखा था, वही मैं आपको नोट्स में बता रही हूँ कि एक मीटर का 10,00,000वें भाग के बराबर अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 170 mm इंटू 130 mm। तो ये आपका बुक में भी है, आप इसको अपने ऐसे पॉइंट्स में के फॉर्म में भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सो बच्चों आज हम लोगों ने देख लिया कोशिका का हमने कैसे उसके स्ट्रक्चर में, उसके नंबर में, उसके फंक्शन में किस प्रकार डिफरेंस होता है, तो ये हमने समझ लिया। अभी तो हमारा चैप्टर चल रहा है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।